लिरिक्स राइटर, गीतकार, गाने लिखने वाले, बॉलीवुड के गीतकार, इनके ऊपर मैंने बहुत कम वीडियो अभी तक बनाए हैं और काफी लोगों को इस बात से शिकायत थी। तो आज का फिल्मी फंडे है लिरिक्स राइटर्स के लिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट बॉक्स में आप लोगों का, मैं ये देखता हूं कमेंट की आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा मुझे जिम्मेदार भी बनाती है, रिस्पॉन्सिबल भी बनाती है कि मैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दूं वो बहुत सच्ची अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके काम में आने वाली होनी चाहिए। देखिए, मैं लिरिक्स राइटर तो हूँ नहीं, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं जानता हूँ कि लिरिक्स की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है किसी भी फिल्म में या किसी भी शॉर्ट फिल्म में। आजकल तो सीरियल्स में भी गाने यूज़ होने लगे हैं, उनके टाइटल ट्रैक्स होते हैं। जब भी फिल्म बनती है, फिल्म थोड़े दिन बाद उतर जाती है, लेकिन जो गाने हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। रेडियो पे सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमेशा गाने हमारी ज़िंदगी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसकी वजह ये है उसके वो शब्द जिससे हम रिलेट करते हैं। वाकई ये बहुत ही हुनर वाला काम है, बहुत ही अलग तरह का काम है और ये बहुत ही गॉड गिफ्टेड आर्ट है। हर कोई गीत नहीं लिख सकता। ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो गीत लिखते हैं, हो सकता है उनको लगता हो कि ऐसा गीत लिखना एक बॉलीवुड के लिए गीत लिखने के बराबर है, लेकिन बॉलीवुड के गीत अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो आपको धुन के हिसाब से गाना लिखना होगा, सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखना होगा, करेक्टर के हिसाब से गाना लिखना होगा, स्टोरी को आगे बढ़ाने वाला गाना लिखना होगा। तो आज के फिल्मी फंडे में मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसी टिप जो आपको मदद करेंगी आपके प्रोफेशन को समझने के लिए कि अगर आपको बॉलीवुड में गीतकार बनना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो जो पहली टिप है वो है कि अगर आप गाना लिख रहे हैं तो डोंट कॉपी, डोंट रिपीट। मतलब ये कि आप अपने शब्दों को रिपीट मत कीजिए बहुत ज़्यादा। एक बार एक शब्द का इस्तेमाल हो गया, उसको दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए, दूसरा उसी तरह का शब्द लाइए और फिर कॉपी भी मत कीजिए। मतलब कॉपी का मतलब ये है कि अगर कोई गाना टाइटल अभी चला है, बड़ा हिट हो गया है, तो उसी के शब्दों को लेकर हम गाना लिख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपके जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के आएँ। आप देखेंगे जब भी कुछ नया वर्ड आता है, नए तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो वो गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। जैसे ओ मेरे रश के कमर या तुम ही हो, बहुत सिंपल सा वर्ड है तो भी अच्छा लगा। या फिर बहुत पहले एक और गाना आया था कि मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े अच्छे से हैं, मतलब नॉर्मल भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग नहीं सुनते हैं। इसलिए पहली एडवाइस यही थी मेरी कि आप रिपीट मत कीजिए वर्ड को और वर्ड्स को कहीं और किसी हिट गाने से कॉपी मत करिए। दूसरी टिप है कि आप जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो बड़े कैची होने चाहिए। क्योंकि देखिए, गाने जैसे जैसे दौर बदला है वैसे वैसे वर्ड्स के यूजेस भी बदलने लगे हैं, लोगों की बोलचाल की भाषा में फ़र्क आने लगा है। आजकल की जो जनरेशन है वो इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करने लगी है। तो आप ये देखिए कि आपके वर्ड जो हैं बहुत कैची होने चाहिए, लेकिन हाँ, उसका जो मीनिंग है जितना ब्रॉड हो सके उतना अच्छा है। वैसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि गाने हिट हो जाते हैं, कई बार लोगों को शब्दों के मायने और मतलब भी नहीं मालूम होते। मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया था आपको कि ओ मेरे रश के कमर, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन सब लोग गा रहे हैं, सब लोग गुनगुना रहे हैं। इसका मतलब आप भी गूगल में सर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, ताकि और लोग भी जान पाएँ। तो आपका जो भी वर्ड है वो कैची होना चाहिए और उसका मीनिंग जो है वो ब्रॉड होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड टिप है सिंपल वर्ड। जितने ज़्यादा सिंपल वर्ड आप यूज़ करेंगे उतनी दूर तक और देर तक आप याद किए जाएंगे। देखिए, आनंद बख्शी साहब ने ना कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्डों का प्रयोग नहीं किया। आप देखिए, उनके गाने आज भी उतने रिलेवेंट लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने कवि होने का, शायर होने का, गीतकार होने का वो फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, आपको नए नए वर्ड्स इस तरह के नहीं लाने चाहिए, लाने चाहिए। हो सकता है बीइंग ए गीतकार आपको उसका वर्ड का मतलब समझ में आता हो, लेकिन जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस है उसको समझ में नहीं आता हो। देखिए, बॉलीवुड जो है ना वो बहुत जनरल ऑडियंस के लिए है, मतलब उसमें हर तरह का ऑडियंस शामिल है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, या फिर वो भी हैं जो कि सिर्फ गानों को मज़े लेने के लिए सुनते हैं, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जितने आप सिंपल वर्ड रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। चौथी टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप जिस भी गाने को लिख रहे हैं फिल्म के लिए, उस सिचुएशन में या उस लोकेशन में या फिर उस सोसाइटी में को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। बहुत ज़रूरी है कि आप जो फिल्म को लिख रहे हैं उसका बैकड्रॉप क्या है। अगर वहाँ पे मान लीजिए राजस्थानी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, मराठी बोली जाती है या साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तो अगर वहाँ के कुछ लोकल वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे ना तो रिलेवेंट भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और एक नया कलर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, संजय लीला भंसाली की फिल्म जो थी अभी आई, उसमें गाना था घूमर घूमर।
अब घूमर घूमर में बहुत सारे हिंदी वर्ड को या फिर राजस्थानी वर्ड को बहुत हिंदीकरण में, मतलब इजी वे में पिरो के दिया गया है। तो एक कलर भी आ गया राजस्थानी होने का, लेकिन उसको समझ भी रहे हैं लोग। तो हमेशा ना आप बैकड्रॉप को समझते हुए, कहाँ पर ड्रामा प्ले हो रहा है उसको समझते हुए वर्ड्स को यूज़ कीजिए। पांचवी टिप ये है कि बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टर वर्ड को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो लिखना तो आसान होते हैं लेकिन उसको धुन में पिरोना उतना ही मुश्किल होता है। गायक के लिए गाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी तरह से इन सब ने मैच कर भी लिया, मैनेज कर भी लिया, तो जो याद करके बाद में गुनगुनाने वाले हैं, मतलब कि जो ऑडियंस है, वो नहीं गुनगुना पाएगी। और याद रखिए, जिस गाने को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा गुनगुनाया नहीं, दोहराया नहीं, उसको बाद में याद किसी ने किया नहीं। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप जब भी गाने लिखें उसमें वो खूबी हो कि बॉलीवुड तो पसंद करे ही करे, लेकिन बाद में ऑडियंस भी उसको याद करे। ये मैंने 5 टिप्स आपके साथ शेयर की लिरिक्स राइटिंग पे। आगे के वीडियोस में मैं कुछ और टिप्स लेकर आऊँगा, तो आप बिल्कुल लिरिक्स राइटिंग को भी अब रेगुलर में वेटेज दूंगा, रेगुलर वीडियोज़ बनाऊंगा। तो आप लोग को और भी कोई परेशानी है या फिर आप किस तरह से लिरिक्स राइटिंग सीख रहे हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है कि लिरिक्स राइटिंग की आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, सीख कैसे करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह का करियर आप बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इब्राहिम अशकी मैं वर्कशॉप आपको सजेस्ट करूँगा। उस वर्कशॉप में आप टेक्निकल बातें सीख सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें वो एडमिशन उन्हीं लोगों को देते हैं जिनमें बेसिक क्वालिटी हो लिरिक्स राइटिंग की या पोइट्री की। कंप्लीट होता है। तो उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं। तो लिरिक्स राइटिंग पे तो प्लेलिस्ट अब बनी गई है, लेकिन इसके अलावा आपको पता ही है कि स्क्रिप्ट राइटिंग पे टिप्स हैं, फिल्म मेकिंग पे हैं, एक्टिंग एडवाइस है, सेलिब्रिटीज़ के वीडियो हैं और ऑडिशन इन्फॉर्मेशन भी है। तो आप जो भी देखना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप उसमें कामयाब प्रोफेशनल बने। जॉइन फिल्म्स हमेशा आपके साथ है एक प्रोफेशनल पार्टनर की तरह। अगले वीडियोज़ में मैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।